एसीएस बेसिकली 6 इवेंट्स से कोशिश कर रही है एमेचर सर्किट और एमेचर फाइटर्स को और एनहांस करने के लिए, उनका स्टैंडर्ड इंक्रीज करने के लिए। पहले हम ये इवेंट एक ही जगह पर कराते थे और एक ही जगह पर आउटडोर होता था, बट दिस टाइम दिस इवेंट इज़ गोइंग टू बी इन तालकटोरा स्टेडियम, और स्टेडियम में हम कुछ और प्रो स्टाइल फैसिलिटीज़ अरेंज करने वाले हैं। सो जो भी एमेचर फाइटर्स इसमें आने वाले हैं, दे विल डेफिनेटली गोना सी के ये किसी भी मतलब आई शुड नॉट से बिग वर्ड्स, बट ये किसी भी प्रो लीग से या प्रो इवेंट से कम नहीं होगा, उससे ऊपर ही होगा, उससे नीचे नहीं होगा। सो वी आर गोइंग टू मैच द स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स इन एमेचर। टर्म्स एंड कंडीशन सर, हमने अभी बताया कि हमारी कुछ हेल्थ एंड मेडिकल परफॉर्मेंसेज जो हैं उससे रिलेटेड जो हमारे कंसर्न्स हैं, जो डॉक्टर्स के कंसर्न्स हैं, वो रहेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई फाइटर इंजर्ड हो, कोई इंजरी हैपन हो, कोई करियर रुके किसी फाइटर का, तो हम उस पॉलिसीज़ को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अदरवाइज कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। अगर आप मार्शल आर्ट्स करते हो, आपको घूसे लात मारने आते हैं, मोस्ट वेलकम टू दी एमएमए। ACS is amateur contender series, so ये amateur के लिए ही है। So basically इसका जो concept start हुआ था वो यही था कि amateurs को right platform नहीं मिलता अपनी performance को enhance करने के लिए, अपनी skills को showcase करने के लिए, अपने talent को दिखाने के लिए। Mostly ये इससे पहले जब हमने start किया था, उससे पहले ये gyms के अंदर होता था, तो nobody is going to डू इट इन अ प्रॉपर केज, प्रॉपर एरिना नहीं होता था, मेडिकल फैसिलिटी नहीं होती थी। तो इवन मेरे टाइम पे भी जब मैं फाइट करता था तो इट्स इन इनडोर, और जो केज भी रहता था दैट वाज लाइक 14x14, घुसते के साथ ही ख़त्म हो जाना वो चीज़। तो आप क्या लड़ोगे, क्या परफॉर्म करोगे, क्या स्किल्स परफॉर्म करोगे, सो वो सारे जो फेसेस हैं जो हमने अपने टाइम पे देखे हैं या हमें नहीं वो फैसिलिटीज़ मिले, तो ACS वो चीज़ें प्रोवाइड करता है। एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ प्रणव भाई मैम एंड अदर इन्वेस्टर्स, अदर स्पॉन्सर्स, सो वी आर ब्रिंगिंग लॉट मोर प्रो स्टाइल एम्बियंस एंड प्रो स्टाइल स्टैंडर्ड्स टू एमेच्योर सर्किट। You know, like many people, you know, they liked it and they came to know about the film, especially about, not just about the film, even about Meera Arya ji ke baare mein, because of you people, because of media, people have started Google searching about Meera ji ne kya contribution kiya hai desh ke liye aur swatantr ke liye. Thanks to you all. आपके वजह से इवन माई फिल्म हैज़ बिकम वेरी फेमस। अभी ये मेरा सौभाग्य है कि लाइक हम लोग ये ऐसा अच्छा सिनेमा हमारा देश के लिए एंड फॉर नेक्स्ट जनरेशन के लिए दे रहे हम लोग, क्योंकि मैनी पीपल दे डू कमर्शियल फिल्म्स, इवन इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आई हैड डन मैनी कमर्शियल फिल्म्स, आर्ट फिल्म्स एंड सोशली इशू बेस्ड सिनेमाज वो सभी। अभी देश के लिए आई एम मेकिंग द पेट्रियाटिक सिनेमा, वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी, एंटायर टीम इज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि ना हम लोग रहे ना रहे ऐसा सिनेमा एंड देशभक्ति और नेक्स्ट जनरेशन को मोटिवेट करने के लिए हम लोगों को ऐसा सिनेमा लाना ही है। तो धन्यवाद है आप सभी को। मैं यूथ को काफी फिट है आप, एंड जो जैसा कि आपने बताया कि फिटनेस के बारे में आपने बातें की, यूथ के लिए मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस हैं, बट फिलहाल दो तीन चीज़ें हम ये बोलेंगे कि मेरी भी फिल्म अभी एक जो आ रही है ऑन फ्लोर, उसका नाम फिडेलिटी है। उस फिडेलिटी की स्टोरी भी यही है, एक लड़की की जिसके पास सुपर पावर्स होते हैं वंडर वुमन की तरह, या इट्स अ साईफाई फिल्म। एंड हाउ दिस मिशन हैज़ कनेक्टेड मी एज द प्रेजिडेंट ऑफ दिस एसोसिएशन हैज़ हेल्प मी टू अंडरस्टैंड दैट यू नो यूथ टूडे, as she said, we are living in dark times, Kaliyug. There is so much toxic energy, distraction, pain, trauma, difficulties and challenges we all are facing. इन सब को झेलने की क्षमता और शक्ति भी हम सब में ही है। जो अवतार आए, जो राम, जो भी ये महाभारत की बात करें, ये सब इंसान के रूप में आए और इन्होंने अपनी वो शक्ति को टैप किया, इसलिए वो लोग सुपर हीरो बन गए। मेरा मैसेज यूथ को ये है बोलना कि ये शक्ति, ये सुपर पावर हम सबके अंदर है, बट वो टैप नहीं कर पा रहे हैं। तो अपनी अंदरूनी कमज़ोरियाँ,
और वीकनेसेस और लैक को ट्रांसफॉर्म करके आगे बढ़ना पॉजिटिव एनर्जी के साथ और कंट्रीब्यूट करना सोसाइटी को, आई थिंक ये एक डायमेंशन खुल जाना चाहिए अब लाइफ में. हम लोग खुद गर्ल्स होके सेल्फिश सेल्फ सेंटर्ड होके अपनी लाइफ देख रहे हैं, और आप जब फिट हो जाते हो, जैसे आपने मुझे फिट बोला, मुझे देख कर लोग मोटिवेट और इंस्पायर होंगे. तो ये इंस्पिरेशन सबके अंदर खुद आ जानी चाहिए कि मुझे, क्योंकि मैं एक मॉडल और एक्ट्रेस हूँ इसलिए मुझे फिट नहीं रहना है, बट मुझे मेंटली फिजिकली स्टेबल रहना है, इमोशनली स्टेबल रहना है, ताकि मैं जहाँ काम करूँ, कंपनी में काम करूँ, झाड़ू पोछा करूँ, कुछ भी काम करूँ, उस हर चीज़ में मैं अपनी 100% दे पाऊँ. और वो मैं तभी दे पाऊँगी जब मैं पीसफुल हूँ. एम एम ए ऑल्सो ब्रिंग्स लॉट ऑफ फोकस एंड क्लैरिटी इन लाइफ विच यूथ इज डिस्ट्रैक्टेड राइट नाउ. प्रैक्टिस लाइक दिस इज मैंडेटरी इन आर लाइफ. दिस शुड बी अ मैंडेटरी स्कूल प्रोविजन. आई होप दैट टुमारो इन फ्यूचर वी कैन एक्चुअली इंट्रोड्यूस दिस कंपल्सरी कोर्सेज फॉर वेमेन टू लर्न सेल्फ डिफेंस एंड एट द सेम टाइम एम्पावर अदर पीपल विद दिस प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज. माई मैसेज टू यूथ इज दैट दिस इज द टाइम, दिस इज द एरा, दिस इज द टाइम लाइन वेयर वी ऑल हैव टू इम्प्रूव आवर सेल्फ फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली टू बिकम दैट हायर पावर एनर्जी. थैंक यू. ये सिर्फ फिट नहीं है, मेरे साथ मार्शल आर्ट ट्रेनिंग भी करते हैं. We used to train together. So yeah. उस टाइम पे और हम आज मिले हैं 15 साल बाद. And kalari paitu is a wonderful art form. Yes. You know the fighting. It's not just fighting. As you said, it is a healer. Healer. And also it entertains like and also it motivates so much of energy from inside. Yeah. So even I'm a kalari paitu. So she understands because so MMA. It's a beautiful art form. एंड जस्ट टू ऐड वन मोर पॉइंट टू योर, एमएमए के बारे में ही हम स्पोर्ट्स और एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, बट सबसे ज़्यादा बेनिफिट पता है क्या होता है मार्शल आर्ट्स का, कि आपकी स्थिरता बढ़ जाती है. तो लाइफ में जो आपके चैलेंजेस रोज आते हैं, फाइनेंशियल, रोमांटिक, पॉलिटिकल, घर में, हर इन अंबानी से लेके ब्रैडली कूपर, ऐश्वर्या राय के घर में 100 चैलेंजेस होते हैं, बट इन चैलेंजेस को लड़ना ग्रेस से विदाउट बिकमिंग नेगेटिव, ये हमारे ऊपर है. एमएमए का इफेक्ट ही पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर होता है, बिकॉज आप नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर देते हैं इस प्रैक्टिस से. तो ये आपके एनर्जी सेंटर्स को भी एक्टिवेट करती है, जो लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है आई थिंक, एंड आई होप वी कैन गिव दिस इन्फॉर्मेशन टू देम. सर, व्हाट इज वीजा बोर्ड एंड ये कैसे कनेक्ट हुआ? बेसिकली दी एसोसिएट जो स्पॉन्सर है, तो जो मिक्स मार्शल आर्ट्स है, दैट इज द वैरायटी ऑफ कॉम्बैट स्पोर्ट्स ऑल टुगेदर व्हेन वी पुट टुगेदर. So it turns out to be this MMA. So Visa Board is a company which is engaged into a different variety of services for all the visa consultants across the India. So जैसे अगर कोई बच्चा है जिसको out of country जाना है, तो उनको university SOB चाहिए, visa file SOB चाहिए, उनको assistance जो है जो file के submission के अंदर चाहिए. There are lot of phases when there is a point कि किसी को जब यहाँ से अब्रॉड जाना है, तो ये जो सारे phases है उसके अंदर जो है वीज़ा बोर्ड का एक्सपर्टाइज है, तो उसके चलते then we connected to this board और फिर हमने ऐसा सोचा कि हम इसको स्पॉन्सर करें. Next level, as I was discussing with the Pranav ji, after once they finish the event here in Delhi, then they want to take it to international level. क्योंकि हर एक देश में हमारा इंडिया का ये सभी आर्ट फॉर्म्स को दिखाना है, स्पेशली एनर्जेटिक आर्ट फॉर्म्स, नॉट जस्ट डांस, संगीत, वो सभी, इसको भी नेक्स्ट लेवल को लेके जाके दे वांट टू डू इट इन डिफरेंट कंट्री लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल, इसलिए दैट्स हाउ दिस आल्सो कनेक्टेड हिज कंपनी. लोग सुनते हैं कि इंडियन का फाइटर जो है वो इंटरनेशनल नहीं जा पा रहा है या वहाँ प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, बट अभी रिसेंटली एक इंडियन फाइटर ने ये प्रूव कर दिया है दैट ही कैन, यू नो, नॉट ही कैन बट इंडियंस कैन बीट, यू नो, एनीवन. ही इज़ अ वॉरियर. सो आई वुड लाइक टू नेम हिज, ही इज़ करेंटली आई थिंक फाइटिंग इन फेब्रवरी इन रोड टू UFC. तो UFC में शायद पहला फाइटर होगा जो फिनाले तक गया है, एंड हिज नेम इज़ अंशुल जुबली. And I'm very glad and very proud to say this because मैं अंशुल जुबली के कई fights में official रह चुका हूँ, and I know his potential and he's definitely gonna, you know, see, winning and lose is not in our hand, but definitely if he enters the cage in finale, he shows what Indians are capable of. He definitely gonna do that. So वही concept, वही mission हमारा है कि सिर्फ वही नहीं, he is a role model now, but सिर्फ वही नहीं,
आने वाली जितनी जनरेशन है वो यही प्रूफ करे कि जब हम केज में घुसते हैं तो फिर वो हम ही हैं, फिर हम इंडियंस ही हैं फिर वो. सो दैट्स व्हाट माय मिशन इज, माय विजन इज, क्योंकि वो चीज़ हमें अपने टाइम पे नहीं दिखी. फाइट करते थे बट ओनली इन पुरातन काल में सभी लोग बाहर आके भी फाइट करते थे. इवन दिस इज वेयर माई फिल्म गेट रिलेटेड विद, सो दैट इज व्हाट इवन सुभाष चंद्र बोस जी टोल्ड अस to come out of the house and fight for everything, dharm ke liye, nyay ke liye, sati ke liye, desh ke liye, logon ke liye, samaj ke liye, hum logon ko ladna hi hai. This is one of the things like where we can, they are showing it in a different way, that's all. So and also it's a nice thing na, so we take it humorously. So women ko ladna sikhe to then they can fight nicely at home also, so everywhere. She was telling that women, you know, we need to protect ourselves and we have to get up and fight when that situation arises. But also it's a nice thing physically, mentally, everything ke liye. And ye log na acha kaam kar rahe hai, not just for men, they are also doing it for women. That's a great thing because hamara ye to ghor kaliyug mein hai hum log, prathama pade. So then it goes on, like we may see some more bad days in future. So that's better, but everybody should know, like physically, mentally, they should be fit and they should know how to fight and. Sir, question aur Delhi ke alawa ACS ka jo training camp hai aur kahan kahan upalabdh ho, kis city mein? Sir, abhi we are trying ke hum isko har ek city mein lekar jaye, but starting definitely from Delhi itself as in capital, kyunki humne apne bahut se events wahan se kiye. We want to come to Mumbai also, aapki city mein aana chahte hain. And we are looking forward for the right time and right place to, you know, announce that. So one question, sorry. There would be various other institutions also in India like ACS, who would be, you know, teaching mixed martial arts. So how different is ACS from those institutions? Sir, different aisa hai ke we are maintaining the standards. We are trying our hard that we don't let any fighter, you know, स्टैंड आउटसाइड एंड से कि मेरा जो करियर है ख़राब कर दिया गया है या कुछ है. सो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम अपना बेस्ट से बेस्ट दें. अब आप बाकी से जब करेंगे, जब कंपैरिजन है तो मार्केट में डोमिनोज पिज़्ज़ा भी है, पिज़्ज़ा हट भी है, पीपल वुड चूज टू लव टू ईट बोथ ऑफ देम, सो दे हैव चॉइस. आप डेफिनेटली वहाँ जाएंगे जहाँ आपको अच्छा स्टैंडर्ड मिलेगा, अच्छी चीज़ें मिलेंगी. सो वी आर द वन ऑफ द हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड the other amateur circuit, because अभी तक मेरा जो analysis है, जो हमने देखा है, amateur circuit में multiple fights कराते हैं, which is not MMA standard, जो MMA standard है ही नहीं, जो rules ही नहीं है. तो amateur circuit में क्या होता है कि एक fighter को एक दिन में दो fights, फिर next day दो fights. तो अगर आप MMA fight कर रहे हो then it should be one fight only, and there we are outstanding, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक ही fight पर focus करते हैं, उसी पे हम क्वालिटी देना चाहते हैं और उसी पे हम क्वालिटी निकालना भी चाहते हैं. तो लोग साल में एक बार आते हैं, हम साल में चार बार आते हैं, हर तीसरे दूसरे महीने में हम इवेंट लेकर आते हैं. तो फाइटर के पास एक साल में रिकॉर्ड मेंटेन के लिए भी चार अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ हैं. तो हम एक ही दिन में उसके चार रिकॉर्ड नहीं बनाते हैं, हम चार बार में उसका चार रिकॉर्ड बनाते हैं. तो हम उसकी लाइफ को रिस्क में नहीं डालते. एग्जैक्टली, सो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, MMA रूल्स हैं. अगर आप वो रूल्स नहीं फॉलो कर रहे हैं, दैट मींस यू आर प्लेइंग विद द लाइफ ऑफ अ फाइटर. एंड आल्सो इफ आई कैन जस्ट ऐड, हाउ इज इट डिफरेंट इज आई एम श्योर फ्री स्पॉन्सरशिप एंड रजिस्ट्रेशन इज नॉट कॉमनली डन इन एवरी एसोसिएशन ट्रेनिंग, बट वी आर आल्सो फोकसिंग ऑन इमोशनल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ दीज वुमेन एंड पीपल हु वांट टू मूव फॉरवर्ड बट दे डोंट हैव राइट काइंड ऑफ सपोर्ट, एजुकेशन और इंफॉर्मेशन कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है, कि अगर मैं यहाँ जाऊँ शायद मुझे नहीं लड़ना है बट मैं इससे कुछ सीख के आऊँगी, इससे मैं स्ट्रॉन्ग बन के आऊँगी. तो ये मोटिवेशन जो हमको चाहिए ना, मेंटल कंडीशनिंग जो करनी है, जो बहुत ज़रूरी है. आई डोंट नो कि बाहर किसी एसोसिएशन ऐसे सोचा भी है. मैं प्राणिक हीलर हूँ, 8 साल हो गए मुझे एज अ होलिस्टिक हीलर. आई डू अ लॉट ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमा फॉर वुमेन. सो वुमेन एक बहुत सेंसिटिव चीज़ है हमारे, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, बट फॉर अ वुमेन वंस यू गेट रेप्ड, वंस यू गेट ईव टीज्ड, वंस यू गेट ह्यूमिलेटेड,
embarrassed in public by a male energy till you're 70, that scar stays in your mind. We start to hate men. There are so many feminists जो नफरत करती हैं लड़कों से. अब उन उस लड़के ने शायद गलत कुछ नहीं किया होगा, बट वो 40 साल पहले की बात है स्कूल में जो हुई होगी. बट यू नो, सो फॉर अस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रेक दिस. एंड यू नो, ये ब्रेक तब आएगा, एक तो जब ये ऐसा नॉलेज लोगों के पास जाएगा कि आप स्पिरिचुअली इस चीज़ को अपने आप को हील कर सकते हो. हील हो जाओगे ठीक है, बट इस चीज़ को बदलना ज़रूरी है. द चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट चेंज आई थिंक ही विल ब्रिंग बाय पुशिंग पीपल टू यू नो, यू अट्रैक्ट इन लाइफ. वो अट्रैक्शन यहाँ पे है कि हम आपको फ्री में ट्रेन करा रहे हैं, हम आपको फ्री में हीलिंग दे रहे हैं. लाइक माई अदर एसोसिएट इज ऑल्सो हीलर. सो माई पार्टिसिपेशन हियर अपार्ट फ्रॉम मोटिवेटिंग दैम वुड बी टू हील दीज वुमेन. सो मोस्ट वेलकम टू ब्रिंग ऑल द वुमेन एंड लेडीज हु आर वॉचिंग दिस. प्लीज एसोसिएट. एंड आई एम हियर गिविंग यू माई वर्ड दैट इवन इफ दिस इज नॉट द डायमेंशन एंड करियर यू आर चूजिंग टू फ्लरिश, एटलीस्ट हील योर सेल्फ, एटलीस्ट बिकम stronger, healthier and happier and let go of your past trauma which we are carrying. जिससे उनको सहानुभूति ख़त्म ही हो गई है, नफरत ही हो गई है. आई डोंट बिलीव दैट. आई थिंक दे आर ब्यूटिफुल जेंटलमैन. देर आर गुड मैन, गुड गाइज आउट देर हु वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू एंड कीप यू सेफ. आई वुड वेलकम सच ब्रदर्स एंड हस्बैंड्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड टू कम एंड जॉइन अस, सो दैट यू नो वी ऑल हैव टू एम्पावर अ फीमेल एंटिटीज. सो दिस कुड बी अ प्लेटफॉर्म विच विल एम्पावर ऑल ऑफ अस. कलरीपयट्टू इज इंडियन. कलरीपयट्टू को अगर आप देखेंगे तो कलरीपयट्टू से ही मार्शल आर्ट्स निकले. कोई भी मार्शल आर्ट आप नाम लो, वो कलरीपयट्टू से ही निकला हुआ है, राइट. सो इंडिया से ही वो ओरिजिनेट हो रहा है. मलयुद्धा इज अगेन द सेम थिंग. आप इसको एक वर्ड है, इसके बारे में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि जब रेसलिंग होता था तो उसमें स्ट्राइकिंग भी होती थी, पर्टिकुलर मलयुद्धा में, एंड उसमें ग्रैपलिंग भी होती थी, मतलब लॉक ये सब, क्लिंचिंग एंड ऑल ये सब होता था, राइट. और नहीं तो आप महाभारत भी उठा लेंगे, मैंने ऑलरेडी बोला है इसका. तो भीम और दुर्योधन के बीच में फाइट हुई थी, तो क्या आप उसमें सिर्फ रेसलिंग देख रहे थे? कहीं नहीं लिखा हुआ है. इट्स ऑल इट्स मेंशन देयर. आप अपने बुक्स उठा के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसमें मेंशन है. तो ये बेसिकली इंडियन कॉन्सेप्ट ही है, बट हाँ कहीं ना कहीं हम उसको सक्सीड नहीं कर पाए. अनसक्सीड ये इंडिया से बाहर हुआ है. इस चीज़ को आई एग्री एंड आई से दिस थिंग. आर्यन रेस जो थे ना हमारे, आई थिंक फ्रॉम दैट पीरियड वी आर ट्रेन्ड टू बी मार्शल आर्ट्स. ओलंपिक तक ले जाने की प्लानिंग है आप लोग? इंशाल्लाह मैम, ओलंपिक तक. अभी तक तो एमएमए का नहीं पता है कि क्या सीन बनेगा, लेकिन ओलंपिक में एमएमए नहीं है. ओलंपिक इज एक्चुअली एक्सेप्टिंग डिफरेंट डिसिप्लिन्स. तो हाँ, हमारा ये प्लान ज़रूर है कि हम अलग अलग मार्शल आर्ट डिसिप्लिन्स को भी प्रमोट करें आने वाले फ्यूचर में. जैसे अगर आप पकड़ के चलें कि बॉक्सिंग है, तो बॉक्सिंग में अगर कहीं लगता है हमें कि वो सही प्लेटफॉर्म पे नहीं चल रहा है, एंड वी कैन बी अ पार्ट ऑफ इट एंड वी कैन प्रमोट इट, देन डेफिनेटली वी विल एंटर इन दैट. रेसलिंग है, बॉक्सिंग है, ये ओलंपिक स्पोर्ट्स है. और एमएमए में ये सबको मिक्स करते हैं, इसलिए उसको एमएमए बोलते हैं, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स बोलते हैं. तो एमएमए आई डोंट थिंक सो ओलंपिक विल एक्सेप्ट इट, बिकॉज इट्स अ ब्लड एंड स्वेट गेम. सो ओलंपिक में ब्लड अलाउड नहीं है. सो ये एक अलग गेम हो जाता है. बट हाँ, इंडिविजुअल डिसिप्लिन्स को हम आगे चल के प्रमोट कर सकते हैं, डेफिनेटली उसके बारे में हम सोचेंगे. कोई स्पेशल अनाउंसमेंट है जो आप करना चाहते हैं? स्पेशल सर, हमारे वुमेन्स ने कर दिया है ऑलरेडी के वुमेन रजिस्ट्रेशन हमने ऑफ कर दिया है. विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देयर एफर्ट्स एंड देयर इनिशिएटिव्स. सो मैम है वुमेन वाला जो फेस है, जो हम अभी तक रजिस्ट्रेशन कॉस्ट कर रहे थे, विद देयर एफर्ट्स हम वो रजिस्ट्रेशन अब नहीं चार्ज कर रहे हैं वुमेन्स के लिए इन ACS 7. सो वी आर इनवाइटिंग ऑल द वुमेन फाइटर्स हु कैन कम, शो देयर टैलेंट. दे विल नॉट चार्ज एनीथिंग, दे विल नॉट, यू नो, वी विल टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ एंड ब्लड टेस्ट एंड एवरीथिंग. सो ये एक स्पेशल अनाउंसमेंट है ACS 7 की. एंड रेस्ट मैंने आपको बता दिया, ये जो स्टैंडर्ड है, आप आई थिंक इंडिया में तो आप कभी भी किसी प्रो स्टैंडर्ड को भी नहीं देख पाएंगे. अगर ये अमेच्योर इवेंट जो हम कराने जा रहे हैं, जिसकी प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, वो इक्विवेलेंट लेस माइनस वन नहीं होगा, माइनस प्लस वन ही होगा देन प्रो इवेंट्स विच इज़ हैपनिंग इन इंडिया. उनको चांस मिलेगा आगे प्रो खेलने का भी. सॉरी, 18 प्लस मैम, MMA इज ऑल 18 प्लस. जो प्रो फाइटर चाहेंगे,
अट्रैक्ट करें, कैन दे फाइट अगेन एमेच्योर कि स्ट्रिक्टली एक बार प्रोफेशनल बन गया तो यू हैव टू कम्पीट इन प्रोफेशनल? अगर वो प्रोफेशनल बन गए तो वो प्रोफेशनल ही हैं। कुछ क्राइटेरियाज हैं हमारे सिलेक्शन के कि अगर एमेच्योर सर्किट से अगर वो उठ भी रहे हैं तो ऐसा नहीं कि एक फाइट या दो फाइट में ही कर लेंगे। वी हैव अ सिलेक्शन क्राइटेरिया, उस पर हमारी ऑफिशियल टीम स्ट्रिक्ट है। सो उनके रिकॉर्ड्स होने चाहिए, दे हैव अ वैलिड रिकॉर्ड्स। ऐसा भी नहीं कि जिम के अंदर फाइट करके रिकॉर्ड मेंशन कर दिया तो वो भी कंसीडर होते हैं। कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हमने बनाए हैं, उस क्राइटेरिया के बेस पे ही सिलेक्शन होगा।